नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार का अपडेट और इसके साथ साथ आज के राशिफल का अपडेट। शुरुआत करेंगे आज के राशिफल से, जानेंगे कि आज किन राशियों का ग्रहों के हिसाब से कितनी अच्छी दिन बीत सकता है, किन राशियों में आज मुनाफा लिखा है, पैसा कमाना लिखा है और किन राशियों को किस समय संभल कर चलने की जरूरत है। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। शुभ प्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु और अखिल शाही जी, मैं कर्नल अजय जी एस्ट्रो मनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 28 अप्रैल 2022 गुरुवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम हमेशा की तरह राशिफल, उसके बाद एग्रो कमोडिटी, शेयर बाजार और फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना बनती है उसके ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट के अंदर डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि पथ की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मुखी न रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लिए गए निर्णय इस बात को मजाक में 3 से 4 बजे के बीच में आपको रखनी है आर्थिक सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है आर्थिक सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि या वायु तत्व की राशियां हैं, आज दिन आपके लिए संभवतः मुखी रहेगा, आप फायदा उठा सकते हैं आप, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में आपको आर्थिक सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क राशि पर मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है, 12 से 1 बजे के बीच में आपको आर्थिक सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक ही तरह का व्यापार, एक ही जगह काम करने वाले, एक ही मंडी में काम करने वाले, एक ही तरह का व्यापार के बाद में सबकी किस्मतें अलग अलग क्यों होती हैं, क्यों एक समान सब लोग नहीं कमा पाते हैं, उसका मेन कारण ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आपकी अपनी किस्मत, आपके अपने ग्रह हैं जो आपकी आपको नफा नुकसान में मदद करते हैं और आपको यदि आप इनको ध्यान में रख के काम करते हैं तो सफलता के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो बात करी थी हमने आज के राशिफल की। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कमोडिटी बाजार के अपडेट की कि अब कमोडिटी बाजार में आज ग्रहों के हिसाब से, राशि के हिसाब से कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एग्री कमोडिटीज से। कर्नल अजय जी, अगर कृषि फसलों की बात की जाए तो कृषि फसलों में हमने ग्वार में एक तरफा तेजी आते हुए देखी है। ग्वार में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा कीमतें गिर भी नहीं रही हैं। इस बार देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा होता नजर आ रहा है कि ग्वार गम और ग्वार सीड के जो प्राइसेस हैं ऊपरी स्तर पर सपोर्ट लिए हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग और एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग अब ग्वार का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, ग्वार सीड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये और ग्वार गम के अंदर हमने आपको याद होगा पिछले साल भी हमने जुलाई के महीने में फसल आने से पहले आपको यही कहा था कि इस साल ग्वार अच्छे पैसा देखे जा सकता है क्योंकि उसके पीछे फंडामेंटल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों कारण थे कि फंडामेंटल यही था कि पिछले 7-8 साल से ग्वार में काफी लोगों को परेशानी रही, किसानों का और व्यापारियों का मोह भंग हुआ और मोह भंग होने की वजह से ग्वार का रकबा भी घटा और उसकी पैदावार भी कम हुई, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यानी उसकी खपत में कोई कमी नहीं आई। तो उसका यही नतीजा रहा कि ग्वार सीड ने एक तरफा तेजी दिखाई और शानदार तरीके से फिजिकल और एनसीडीएफ के ऊपर इतने अच्छे भाव दिए, अच्छे पैसे भी लोगों ने बनाए। लेकिन कहा जाता है कि अति हर चीज की खराब है क्योंकि एक सीमा के जाने के बाद में मुनाफा वसूली अवश्य आती है, इसमें कोई दोहराए और कोई संशय नहीं है। और ग्वार सीड को ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसको पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के इलाकों में ही इसका सबसे ज्यादा जोर है और इसको लोग किसान और व्यापारी पसंद करते हैं और पूरे भारतवर्ष में इसकी ट्रेडिंग लगभग नहीं होती है, ये और कुछ ही इलाकों में ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ चंद लोग भी इसको ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको देखते हुए इसको बहुत जल्दी से मैनेज हो जाता है और इस कमोडिटी के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं से जाके काम उसने किया, यानी उसकी कैपेसिटी यदि 4 लॉट की है या 2 लॉट की है, 10 मैट्रिक टन है या 50 मैट्रिक टन है या 100 मैट्रिक टन है और काम उसने 500 मैट्रिक टन का किया, कि डब्बे में कह लीजिए या एनजीडीएस पे कह लीजिए या अनऑफिशियली जो भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को धोखा हमेशा खाना पड़ा है।
क्योंकि जब क्षमताओं से अधिक काम करना है, फंडामेंटल की तरफ ध्यान नहीं देना है, और कृषि जिंसों का व्यापार धैर्य का होता है, ये निश्चित मान के चलिए। जो भी व्यापारी, जो भी कारोबारी धैर्य से काम करेगा, अपनी क्षमताओं से काम करेगा, 30-40% का मार्जिन हाथ में रख के काम करेगा, उसको कभी भी परेशानियां संभवतः नहीं आएंगी, और या आएगी तो वो मैनेज कर पाएगा। परेशानियां यहाँ है कि ताकत है उनकी 10 मेट्रिक टन में काम करने की, काम कर रहे हैं 200 मेट्रिक टन की, तो जब बाजारों के अंदर जरा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो उसके अंदर उनको परेशानी होती है। तो अब पॉइंट ये है कि जवाहर सीट के अंदर अब क्या लग रहा है। देखिए, जवाहर सीट के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन जो निचले स्तर के ऊपर जाने के बाद में गवार सीट पुनः बाउंस बैक करता है, और गवार जब के अंदर बाउंस बैक आता है ऊपरी स्तर आने के बाद फिर मुनाफा वसूली आ जाती है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही ये मूव कर रहा है। इसका इसका मतलब तो ही होता है कि अब जब आने वाले समय के अंदर मेरी गणनाओं के आधार पर गवार सीट को निचले स्तरों पर बाय करना चाहिए, लेकिन वो ही व्यक्ति बाय करे जो इसको महीना 15 दिन रोक सकते हो। यदि सुबह लेके शाम को बेचना चाहें, शाम को ले या आज खरीद कल बेचना चाहें, तो ऐसे व्यक्ति धोखा ले सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल मजबूत है, माल पाइपलाइन में डिमांड के अनुरूप उपलब्ध नहीं है, और डिमांड में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये इसका बुनियादी फार्मूला है, और इसको ध्यान में रख के जो क्षमताओं से जो कृषि जिंसों में, अखिलेश मटाठी जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, कृषि जिंस के अंदर किसान हो या व्यापारी, किसान भी अपना बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है और उसको कटने का इंतजार करता है, फिर फसल बाजारों में लाकर बेचता है, तो उसमें 3 से 4 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बीज डाला तुरंत ही फसल आई और है ना तीसरे दिन वो पैसा बना ले। व्यापारी भी फसल के टाइम माल खरीदता है, उसको 2-3 महीने 4 महीने रखता है, फिर उसमें मुनाफा कमाता है। तो ये तरीका व्यापार का है, तिजारत का है। स्पेकुलेशन और जो सट्टाबाजी या क्षमताओं से अधिक 4 से 10 गुना काम करना, ऐसे लोगों को पहले भी धोखा मिला था, आज भी धोखा मिलेगा और कल भी धोखा मिलेगा। जी अखिल जी, जी यही से कहना रहे थे जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने 3400 का लेवल देखा, उसके बाद 3400 का लेवल फिर नहीं दिखा, उसके बाद फिर सीमित दायर में काफ़ी लंबे समय तक कारोबार देखने को मिला, जो कि 3100-3200 तक गया मैक्सिमम, उसके ऊपर फिर कारोबार नहीं गया। लेकिन अब देख रहे हैं बिनौला खल अपना सपोर्ट खो चुका है और 2800 के लेवल्स तक आ गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, फंडामेंटल्स अगर देखे जाएँ, चारे की कीमत बढ़ रही है, दूध की कीमत बढ़ रही है, कॉटन की प्राइसेस अप हैं, तब भी बिनौला खल की कीमतों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे बाजार बिनौला खल का कैसा रह सकता है? बहुत अहम सवाल पूछा अक्षय जी आपने कि एक तरफ कॉटन के दामों में लगातार इजाफा है, सरकार भी कॉटन के निर्यात के ऊपर बैन लगाने का प्रयास कर रही है ताकि उसके भावों को कंट्रोल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कॉटन यानी कपास के अंदर कोई गिरावट नहीं है, और जहां तक कपास फली का बात है कि जो भी पशुपालक है, डेयरी उद्योग वाले हैं, उन्हें भी और दर्शकों को भी मालूम है कि कपास फली सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक कैटल की जाए, जो जानवर इसको बहुत पसंद से खाते हैं, और वो पसंद और दूसरी खली में किसी में नहीं है, चाहे वो सरसों की हो, चाहे मूंगफली की हो, या किसी और की हो। तो उसके बावजूद में ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, यदि आप एंट्री डेट पे ऐसा हो रहा है, यदि आप फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो कपास फली के दामों में गिरावट नहीं है। फिजिकल मार्केट के अंदर कपास फली के दाम अधिक है, और फ्यूचर मार्केट यानी एनसीडीएक्स पे गवार खली ये कपास या खली की दाम कम है। ये आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि फिजिकल के अंदर अधिक और एनसीडीएक्स में कम, इसका मतलब यही है कि जो भी मैंने आपसे चंद सेकंड पहले जो आपसे चर्चा की थी, ये उन लोगों पे लगाम लगाने की बात है जिनको कपास खली से कोई लेना देना नहीं है, कपास खली के बारे में जानते भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक अपना तेजी मंदी के हिसाब से अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी पोजीशन में कटेंगी तो मुझे उम्मीद है कि कपास खली के अंदर मूवमेंट आएगा। तो ये सिर्फ एक धैर्य की बात है, क्योंकि फिजिकल यदि ऐसा ही चलता रहता है तो एनसीडीएक्स में खरीद के वो फिजिकल में बेचेगा जी, उसमें उसको कहां नुकसान है? यदि यदि व्यापारी है, कारोबारी है, एनसीडीएक्स के ऊपर माल खरीद के और उसको उसको उससे डिलीवरी लेके वो हाजिर के अंदर उसको डिलीवरी दे देगा, उसमें समस्या ही कहां है? लेकिन
माइंड ये है कि जिनको डिलीवरी देनी ही नहीं है उन्हें तो सिर्फ तेजी मंदी करनी है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ी 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 परेशानियों का सबब होता है क्योंकि उनको अपने सौदे काटने पड़ेंगे। और जैसे ही और ये खाली कपास खली में नहीं हो रहा है, पहले ये सरसों में भी होता था, ये सोयाबीन में भी होता था कि दोनों फ्यूचर्स के अंदर काफी बड़ा फर्क आता था, चार चार पांच पांच सात सात आठ आठ परसेंट का फर्क था। अभी यदि आप देखें तो यही वजह है कि फिजिकल में ज्यादा होने के बावजूद भी कपास खली के दाम एनसीडीएक्स पे नहीं बढ़ रहे हैं। और अभी आप एनसीडीएक्स के जो भाव देखें कि जो करंट मंथ है और अगला मंथ है उसके अंदर भी फर्क है जी। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बदले का जो इंटरेस्ट के अलावा कोई चीज आ रही है, उसके अंदर भी फर्क है, उसके अंदर अच्छा खासा फर्क है। तो यही इसको दर्शाती है कि जो इस तरह की जो घटनाएं होती है और ये हर रेंज पे है, ऐसा नहीं है कि किसी इसके लिए सिर्फ अपने कपास खली पे ही है। यदि आप देखे हैं वायदे का कि 2863 रुपए का करंट मंथ का कॉटन की दाल केक चल रहा है और नेक्स्ट मंथ का चल रहा है 2932 रुपए का, तो करीबन 70 रुपए का फर्क है। 2864 का भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस नजर आ रही है स्ट्रीट के ऊपर और नेक्स्ट मंथ का है 2932 रुपए। तो ये जो 70 रुपए का तकरीबन जो फर्क है, ये मेरी बात का जो 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 इस ट्रेडिंग को समझते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के कपास खली के अंदर जो कुछ समय की ये जो मारामारी है कि कमजोर हाथ से यदि निकलेंगे और तो उसके बाद में फिर ये शायद वापस मूवमेंट बना सकती है, देख लेती है जी। यही से कनले जी बात करेगा सरसों की, तो सरसों को लेकर हमारे पास काफी सवाल आते हैं व्यापारियों के, किसानों के, कि सरसों में इस बार देख रहे बम्पर उत्पादन रहे हैं पिछले बार की तरह ही, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा है और मंडियों में भी जो आवकें हो रही हैं सरसों की वो भी जोरदार हो रही हैं। तो अब सरसों व्यापारियों को और किसानों को क्या करना चाहिए, सरसों अभी रोकनी चाहिए, बेचनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अखिलेश जी, इसके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि पिछले साल जो सरसों थी करीबन 85 लाख टन का उत्पादन था और इस साल करीबन 1.2 करोड़ की उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। और ये चीजें सोयाबीन पे भी थी, आपको याद होगा सोयाबीन ने सोपा में 119 लाख टन की उत्पादन की बात की थी और कॉटन के अंदर आपको याद होगा फिर जो 3.61 करोड़ की बात की थी और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात की थी। तो ये जो आंकड़े हैं ये कॉटन के अंदर भी अच्छी फसल के बावजूद भी जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े दिए थे और सोयाबीन के ऊपर जो सोफा ने आंकड़े दिए थे उनके बावजूद भी दाम बेताशा बढ़े। और जहां तक सरसों की बात है, सरसों पे आगे बहुत जबरदस्त मूवमेंट की संभावना है, उसके लिए हम विशेष रिपोर्ट भी हम आपके आपके साथ दर्शकों को शेयर करेंगे सरसों स्पेशल एपिसोड बना के। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि उत्पादन के आंकड़े फसल के समय सबसे ज्यादा बाजारों में देखने को मिलते हैं और उसके बाद उसका मतलब क्या नजर आता है, जो जो आप देखिए ये प्याज के ऊपर आपको याद होगा मार्केट टाइम सीरीज पर भी हमने लगातार अपडेट दिए थे, जब प्याज 600 रुपए क्विंटल 500 रुपए क्विंटल बिक रहा था जो किसान को लागत भी नहीं आ रही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि इसको माल को मेरे हिसाब से प्याज में तेजी बनेगी और वो अक्टूबर आते आते प्याज 500-600 रुपए क्विंटल था वही 3200 रुपए क्विंटल हो गया। यही आपको सोयाबीन के ऊपर आप थे उस वक्त हमने एमआरपी और एमएसपी के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि भाई एमआरपी और एमएसपी दोनों को आपस में सामंजस्य होना चाहिए और रिटेल जो उपभोक्ता को फायदा तभी मिलेगा तब उसको घटे हुए दाम पे ऑयल भी मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही चीज अभी सरसों पे है कि सरसों के अंदर फसल की बात अच्छी हो रही है, 110 लाख टन 115 लाख टन की बातें हो रही है और 24-25% रकबा भी सरसों के अंदर बढ़ोतरी की बात हो रही है। ये सही है, मुझे इसमें कोई दोहराय नहीं है और पिछले साल सरसों की अच्छी तेजी की वजह से किसानों ने अच्छी इसमें बढ़ोतरी भी की है। और लेकिन अब समय पॉइंट ये है कि इतनी उत्पादन के बाद क्या किसान को फायदा मिलेगा, क्योंकि खाद्य तेल जो है अमूमन होता ही है कि सरसों का तेल सोयाबीन के तेल से महंगा बिकता है, ये एक हमेशा परिपाटी रही है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, सोयाबीन का तेल महंगा है सरसों का सस्ता है जी। एक
दूसरी चीज क्या है कि सरसों को जो पिछली पाइपलाइन थी वो तकरीबन महंगी कह वजह से, आप देखिए एक अद्भुत चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दर्शकों के लिए आपके माध्यम से, सरसों 8400-8400 रुपए बिकी फरवरी महीने में, जिसका लगातार अपडेट हमने आपको इस चैनल पे भी दिया था, जबकि मार्च के अंदर सरसों बिल्कुल शानदार रूप से खरीदी थी जी। फसल जो है सरसों की वो फरवरी के अंदर नजर आ रही थी कि इतनी शानदार फसल है और इसका इस बार 24 से 25% रकबा भी अधिक है, तो फसल क्या होगी। उस समय 8400-8400-8500 की जो सरसों बिकी उसके उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, उत्पादन बढ़िया आ रहा है तो उस टाइम क्यों खरीदेगा, लेकिन वो माल बिका। तो मेरा कहना यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का अपना असर होता है, लेकिन आज जो बाजार है वो ग्लोबल विलेज है, पूरे विश्व को यदि आपको ध्यान में रख के आपके बाजारों की दाम कम या ज्यादा होते हैं। एक तरफ इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल की किल्लत हो रही है, वहां पर वो एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की भी तैयारी की, फिर बाद में एक्सपोर्ट जब पे बैन हटाने की भी बात की। इधर अर्जेंटीना और बाकी जो ऑयल सीड उत्पादक राष्ट्र हैं उनसे भी समाचार आप देखें। इधर यूएसडी के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर को भी आप देखें, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सरसों में हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और इसकी डिटेल रिपोर्ट हम लोग खुलासा बिल्कुल अपने दर्शकों के लिए करेंगे, लेकिन मैं कुल मिला के यही कह सकता हूँ। और एक चीज और है कि चना और सरसों जो महत्वपूर्ण फसल है इस करंट सीजन की, इन दोनों पर ही विशेष रिपोर्ट के लिए हम चर्चा करेंगे अगले वाले एपिसोड में, तो दर्शकों बिल्कुल मिस मत करना, अगले हर एपिसोड आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष लेके आएगा। जी अखिलेश जी। जी कनर जी, इसी के साथ कनर जी बात करें यहाँ से अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है देख रहे हैं कि सोना चांदी हुआ, कच्चा तेल हुआ या फिर बेस मेटल्स और नेचुरल गैस, सभी ही नॉन एग्री कम्युनिटीज में उथल पुथल मची हुई, काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिली है। सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में बीते एक सप्ताह से ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, आपको क्या लगता है अब जिस हिसाब से अब यूएस फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संदेशा दे रहा है कि ब्याज दर में बढ़ोतरी की जा सकती है, तो अब आगे सोने चांदी का बाजार कैसा रहेगा? देखिए जो गोल्ड की जो तेजी है मंदी है बेसिकली वो यूएस डॉलर के मजबूत होने की वजह से हुई, कि जब भी डॉलर मजबूत होता है उसके खिलाफ जो है बुलियन के अंदर कमजोरी आ जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये एक फंडामेंटल है। और सोने और चांदी ने दोनों ने जबरदस्त भाव दिए थे, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। बेस मेटल्स के अंदर कॉपर एल्यूमिनियम जिंक शानदार चले, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल शानदार चले। जैसे मैंने आपको इस एपिसोड के प्रथम भाव में बात की थी कि बहुत तेजी आने के बाद में और बड़ी तेजी की बात करें, मतलब किसी ने सेंचुरी बना दी तो 200 बन जाएंगे, तो डबल सेंचुरी हो जाएगी, अब ट्रिपल सेंचुरी के बाद में वो दिमाग लगे कि अब तो ये तो 400 रन वाला एक खिलाड़ी चाहिए या 500 रन वाला खिलाड़ी चाहिए, ऐसी उम्मीद ये कुछ अतिशोक्ति वाले व्यक्ति हैं उनके दिमाग में आ जाती है, क्योंकि एक सीमा के बाद में उसके अंदर मुनाफा वसूली आती है, जब मुनाफा वसूली आती है तो उसमें हैरान परेशान की कहां से बात है। क्रूड ऑयल 114 से ऊपर गया, सोना 53-54 हजार से ऊपर गया, चांदी 72 हजार से ऊपर गई, तो जब ये शॉर्ट पीरियड के अंदर जब भी बहुत बड़ी तेजी बनती है और उसके बाद में एक करेक्शन होता है, उसको आप क्या रशिया यूक्रेन की बात कह लें, चाहे फेड रिजर्व के इंटरेस्ट रेट की बात कह लें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की संज्ञा देने या किसी और कोई कारण उसको बना लें या बता दें, वो एक खाली एक कमेंट्री वाली बात है। मेन चीज है कि जिस प्रकार क्रिकेट मैच के अंदर कमेंटेटर अपनी बात कहता जरूर है क्योंकि उसको है, लेकिन जो बल्लेबाज 145 किलोमीटर की प्रति रफ्तार की जो बॉल खेलता है उसको सोचने में सिर्फ 3-4 सेकंड से ज्यादा उसको समय नहीं मिलता है, और उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेता है कि बॉल को किस तरह से खेले। बाहर दर्शक जरूर कहते हैं इस बॉल को ऐसा खेलना चाहिए था, वैसा खेलना चाहिए था, वही बाजारों की कहानी है।
तो कुल मिला के फंडामेंटल यही कहते हैं, जब बहुत बड़ी तेजी आ जाती है तो उसके बाद लालच करना उचित नहीं है, उसको मुनाफा वसूल करना चाहिए, एटलीस्ट 60-70% मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। और उसके बाद अभी आप और सुपर में और दुपर चाहो तो ये होता है कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून बट नॉट ऑलवेज। तो यही चीज मुझे लग रहा है सोने चांदी में और कच्चे तेल में है, तो इसमें हैरान परेशान होने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये वापस निचले स्तरों पे के में बाउंस बैक कर सकती है और हो सकता है ये अगले सप्ताह से ही बाउंस बैक करे, तो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जी इसी के साथ कर्नल जी, स्टॉक मार्केट में आज वो कौन से स्टॉक्स होंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और किन स्टॉक्स में आज मंदी की संभावना बन रही है? देखिए स्टॉक मार्केट में मैं इंडेक्स की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक और उसकी रीजन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं नजर रखना चाहूंगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत सरकार की सबसे बड़ी पावर ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी, क्योंकि आने वाले अप्रैल मई और जून जो है वो एक महत्वपूर्ण महीने होते हैं जहाँ पे बिजली की खपत सबसे अधिक होती है, और इस बार बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है वो बहुत तेजी से है, तो बिजली के दाम निश्चित रूप से बढ़ेंगे और आईएक्स के ऊपर भी रिकॉर्ड तेजी बिजली के दामों में देखी जा रही है। और बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली जो कंपनी है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पावर ग्रिड, तो इसके 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 मुनाफे के अंदर बहुत सी होगी होगी तो ये संभावना नजर आ रही है, तो इसके अंदर आप नजर रखिए। इसके अलावा एनएमडीसी जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण माइन एंड मिनरल कंपनी है जो कि कोयला की उत्पादन करती है, इसके ऊपर आप नजर रखिए। इसके जो रिजल्ट आए हैं बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं और कोकिंग कोल की जो शॉर्टेज है कमी है उसके अंदर भी उसको देखते हुए इसके ऊपर भी नजर रखना उचित रहेगा। दूसरी जो है मुझे रिलायंस देखिए, बाजार में चाहे कोविड हो या कुछ हो, रिलायंस ऐसी कंपनी है कि जिसने बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन किया, उसकी सबसे बड़ी कंपनियों में से इसका शुमार होता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी जो निवेश करना चाहते हैं, और अब देखिए बाजारों में तेज गिरावट है या वॉलिटिलिटी है उसके बावजूद रिलायंस के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई, तो जो भी आने वाले 2 से 3 महीने 6 महीने या साल 2 साल के लिए करना चाहते हैं निवेश, उनको रिलायंस के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत महत्वाकांक्षा इस कंपनी की है और हाइड्रो पावर दुनिया भर की उन्होंने बैटरी शक्ति की दुनिया भर की वो की भी है, मुझे लगता है कि इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसमें नजर रख सकते हैं। इसके अलावा एक अडानी ट्रांसमिशन के कंपनी है, उसके भाव भी पावर की वजह से और बढ़ने की संभावना है, इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। महत्वपूर्ण यह रहेगा कि समय पे आप अपना निवेश करें, समय से पहले निवेश करें और उस उचित समय पर मुनाफा लेंगे, मंदी आने से पहले मंदी की चर्चा हो, तेजी आने से पहले तेजी की चर्चा हो, तेजी आने के बाद में उसके 50 कारण गिनाए जाए और मंदी आने के बाद उसके 50 कारण गिनाए जाए, ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। आपको याद होगा चाहे कृषि जींसों में हो, जब गिरावट होती है तो हम आगे की विश्लेषण आपसे करते हैं, या जब तेजी आती है तो उसमें यदि कपास खरीद पे जैसे आपने आपसे बात हुई थी, जब 3300-3400 के भाव चल रहे थे, तो हमने कहा था इस दर पे और खरीदना उचित नहीं है, इस दर पे मुनाफा लेना चाहिए। अब निचले स्तर के ऊपर कोई नहीं खरीदेगा और ऊपरी स्तरों पर जाके खरीदेगा तो ऐसे कैसे चलता है, ऐसा नहीं चलता है। तो वही सेम फॉर्मूला स्टॉक मार्केट में है, सेलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिए, परफॉर्मेंस पर नजर रखिए, और 15-20% का मार्जिन आ जाता है अपने 2-3 महीने में, तो उसमें अपना मुनाफा लेके बैठ जाना चाहिए। जी कनल, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है स्टॉक मार्केट, एग्री कम्योडिटी मार्केट, नॉन एग्री कम्योडिटी मार्केट और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।